उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर ना होता, सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ वो जरूर चले जाएंगे, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। लोकतांत्रिक के मूल्यों को खत्म कर दिया है। सर, आज जब मतदान होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस वोट की खबर आ रही है, उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है, और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है, और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा अगर कोई धोखा देगा तो अपने हक में कांटे बोएगा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं, जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। तो धोखा किससे उम्मीद है क्या? नहीं, वो तो जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं वो धोखा कर रहे हैं ना। आप लोगों को भी डर सता रहा है क्या? नहीं, कोई डर नहीं सता रहा, हमें सत्ता है, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे मतलब 8 का 8 जीतेंगे हम। हाँ तो जनता देख रही है, सत्ता का दुरुपयोग देख रही जनता। निश्चित रूप से मेरा जो 8 कैंडिडेट है वो जीतेगा, चूंकि संख्या बल हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, सारे लगभग दल हमारे पास है, और विपक्ष का एक दल बचा हुआ उसके अंदर भी, क्योंकि जब दल हमारे साथ आ गए तो विधायकों के दिल भी आ जाते हैं, और निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि प्रदेश में विकास चाहता है, अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, अपने समाज और अपने क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है और सम्मान चाहता है, ऐसे में ढेर सारे विधायक वोट करेंगे। देखिए बम्पर वोटों से भारी अंतर से जीतेंगे हम लोग, क्योंकि समर्थन प्राप्त है हम लोग। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं उनको, उनके विधायक भी काफी नाराज चल रहे हैं। देखिए आज के दिन में परिस्थितियां ऐसी हैं कि विधायक अपने आप स्वतः, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारी नीतियों से जो हमारी विचारधारा से सहमत है उसे हम लोग जोड़ते हैं। ढेर सारे ऐसे विधायक हैं कि एक समय था उन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, इसलिए वो उधर से थे और मेहनत। अब 2047 तक दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है कि कोई एनडीए के साथ दूसरे कोई दल या दूसरी कोई पार्टी नजर आएगी, इसलिए सारे ढेर सारे विधायक सभी दलों से आ रहे हैं, दल तो आ ही रहे हैं, दल के विधायक भी आ रहे हैं। सर, राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही है सर? देखिए भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखें कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं, हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होएगा है, मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। कई विधायक जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं, के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ विधायक टूट रहे हैं। अब ये जो होता है ना, ये जब हार होती है ना उसके पहले बहाने होते हैं,
तो वो बहाने दे रहे हैं। अब उनको बहाने देने की आदत मेरे ख्याल से बहुत दिनों से पड़ चुकी है अखिलेश जी को। 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, बीच में MLCs होते हैं, राज्यसभा होते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब 24 में भी एक और बहाना देंगे। सपा के कई नेता जयश्रीराम के नारे लगा रहे थे। अब जयश्रीराम का कोई भी नारा लगाए तो ये तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो अखिलेश जी को भी कहते आ रहे हैं, हाउस में भी क्या भैया अखिलेश जी नारा लगा दो जय श्री राम का, मैं वो लगाने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब उस दिन भी उन्होंने वो इकबाल इकबाल ही पढ़ते रहे। अब उनको समझ नहीं आता भाई कि जय श्री राम और इकबाल में बड़ा अंतर है। और इकबाल वो है व्यक्ति जिसने इलाहाबाद में, जो कि मैं प्रयाग से ही आता हूँ, इलाहाबाद से आता हूँ, जिसने पहले ही कहा था भारत का हिंदू मुस्लिम के एकता हो ही नहीं सकती, उनको अलग अलग करें। अब उसके तुम गुण गाओ हाउस के अंदर खड़े होके, तो उनकी मानसिकता बता रही थी।